हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एंड आपको पता है कि हम इग्नू का जो मटेरियल है बीए के लिए, तो हम कवर कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं बीपी एसी 101 में आपका जो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाला टॉपिक। अभी तक हम दो यूनिट डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली, और थर्ड यूनिट में हमारा छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसको हम आज कवर कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, इसमें हमने काफी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ा, से हेनरी फायोल, ओरविक, गुलिक, मुनियन रैले, एमपी फॉलेट और इन सब के बारे में। मुनियन रैले तक तो हमने कवर कर लिया था। फाइनली हम अप्रेजल देखेंगे और फिर हम उसकी रेलेवेंस को देखेंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरी आप पढ़ो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमेशा आप उसकी रेलेवेंस पे फोकस करो। अगर कोई थ्योरी रेलिवेंट ही नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको फिर पढ़ने का फायदा क्या है। और फाइनली हम कुछ यहाँ पर ग्लोसरी में कुछ टर्म्स है, उनके मीनिंग को हम समझेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था किस तरीके से चीजें डेवलप हुई, इवोल्व कैसे हुई, हेनरी फायोल का कॉन्ट्रीब्यूशन, देन फाइनली हमने हेनरी फायोल के बाद में हमने फोकस किया था गुलिक एंड ओरविक के ऊपर, उनके प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे। एंड यहाँ तक हम चीजें जो है वो काफी हद तक कवर कर चुके हैं। जैसे लिंडल ओरविक ने काफी सारे इसमें 8 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। फाइनली हमने गुलिक की बात करी, गुलिक ने कॉन्सेप्ट दिया था पोस्ट कॉर्ब का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में है कि एक मैनेजमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। एंड गुलिक ने फिर बताया था कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो 4 बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोला है, पर्पस, प्रोसेस, पीपल एंड प्लेस। देन हमने मुनियन रैले के बारे में बात करी थी कि 1939 में उनकी बुक आई थी ऑनवर्ड इंडस्ट्री, सॉरी इनकी बुक 1931 में पहले आई थी, फिर बाद में उसको रीपब्लिश किया गया इन द ईयर 1939। इसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे, कौन कौन से हैं वो ये याद रखना, कोऑर्डिनेटिव प्रिंसिपल, स्केलर प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल एंड स्टाफ लाइन प्रिंसिपल। बट ज्यादातर उन्होंने कोऑर्डिनेशन और हायरार्की पर फोकस किया। अब जितने भी क्लासिकल थिंकर्स पढ़ोगे, जितने थिंकर्स आप पढ़ोगे, मोस्ट ऑफ के आपको ना ऐसे ओवरलैप करते हुए कि एक ने जो बात बोली दूसरा उसको सेम बात को थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, बट है ऑलमोस्ट सेम ही। नाउ कम्स द एमपी फॉलेट, एक फीमेल जिसके बारे में आप एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हो। 1868 में इनका जन्म होता है यूएसए के अंदर, और वहीं से फिर वो अपनी जो एजुकेशन है कंप्लीट करती हैं, फिर बाद में वो कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाती हैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए। और उन्होंने अपना फर्स्ट पेपर जो है वो उनका फर्स्ट पेपर था द स्पीकर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव। दो बुक आती है उनकी, द न्यू स्टेट 1920 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में, और ये बुक काफी फेमस होती है। Although वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी, बट उनका ज्यादातर जो वर्क है वो आपको सोशल वर्क में मिलेगा, सोसाइटी के लिए वो काम करती है, फिलोसफी में, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड लॉ में। उनके जो आइडियाज हैं वो उनके एक्सपीरियंस से आते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्क किया था, तो उन्होंने पुअर, इम्पोवरिश्ड जो लोग होते हैं उनकी उन्होंने स्टडी करी। एंड उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट होते हैं उसमें काफी सारे इश्यूज होते हैं, तो वो उन इश्यूज को डील करने के लिए सिर्फ आपको एफिशिएंसी को बढ़ाना है, मैनेजमेंट में कुछ भी इशू हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इसके लिए आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आप मैकेनिकल अप्रोच लेकर के नहीं चल सकते, इन्होंने ह्यूमन और सोशो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश करी थी। इन्होंने अपना जो पूरा फोकस है वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे अपना पूरा टाइम डिवोट किया था। कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, जैसे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट हमेशा गलत नहीं होता, कन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कन्फ्लिक्ट को अगर आपको पता है कैसे हैंडल करना है तो कुछ प्रोडक्टिव आप इससे कर सकते हो। इन्होंने पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप इन सब पर बात करी, और इन्होंने कहा कि अगर हमें इम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजर्स को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा पहली बात कन्फ्लिक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, दूसरी चीज ऑर्डर्स कैसे देते हैं। ओके, तो उनका पूरा आप पढ़ोगे कभी भी आप थ्योरीज के बारे में तो फोकस करना, ज्यादातर उन्होंने कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी है और गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर कैसे दिया जाता है उन्होंने उस एस्पेक्ट पर बात करी है। इसके अलावा उन्होंने पावर के कॉन्सेप्ट पे बात करी, पावर के लिए वो कहते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू मेक थिंग हैपन,
काम करवा लेना, भी अगर कोई पावरफुल है तो अपना काम करवा लेगा। दो चीजें यहां पर उन्होंने बताई, पावर ओवर एंड पावर विद। क्या होता है पावर ओवर और पावर विद का मतलब? यही उनकी जो मेन आप कहते हैं ना थ्योरी मान लो, या जो उनका कॉन्सेप्ट है वहीं से समझ में आता है। पावर ओवर का मतलब क्या हुआ कि हम किसी पर फोर्स कर रहे हैं, किसी पे दबाव डाल रहे हैं कि हमारी बात मानो। पावर ओवर कि कोई ताकतवर इंसान है, उससे डर लगा तो इसलिए हमने उसकी बात मान ली। दैट मीन्स समवन इज फोर्सिंग यू टू एक्सेप्ट एंड असर्टिंग वंस राइट टू गेट कंप्लायंस फ्रॉम अदर। पॉलेट कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपको रिजेंटमेंट और रिएक्शन फेस करना पड़ेगा, लोग आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने वर्कर से बात मनवाने के लिए पावर ओवर का यूज करते हैं। वो डायरेक्शंस उनको दे देते हैं, वो वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं कर सकता करते। एंड सिंस दे आर हैविंग द पावर दैट मीन्स दे कैन रिमूव द वर्कर जो उनकी बात को नहीं मान रहा है। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं पावर ओवर वाले कॉन्सेप्ट के। और उन्होंने कहा कि जो पावर है इट्स अ सेल्फ डेवलपिंग कैपेसिटी। ओके, पावर इज अ सेल्फ डेवलपिंग कैपेसिटी एंड इसको ना तो आप डेलीगेट कर सकते हो ना ही आप इसको कन्फर कर सकते हो। डेलीगेशन और कन्फर मतलब किसी दूसरे को दे देना। पोलिट कहते हैं कि पावर और अथॉरिटी सिनोनिम्स नहीं है। अगर कोई पावरफुल है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसके पास अथॉरिटी भी है। इफ समवन इज हैविंग अथॉरिटी डज नॉट मीन कि उसके पास पावर भी है। दोनों में फर्क है। अथॉरिटी जो काम से रिलेटेड है, पोजीशन से रिलेटेड नहीं है। तो अथॉरिटी क्या है, उन्होंने कहा कि इट्स अ फंक्शनल इन नेचर। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जब आप पढ़ो तो मुझे बताना कि पावर एंड अथॉरिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, न केवल जो इन्होंने बताया था, इवन पावर एंड अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स वेबर ने भी एक्सप्लेन किया था। मुझे जरूर बताना, रिसर्च थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च कर लेना गूगल से, वैसे तो एक बार इसके बारे में जरूर बताना। और जो भी आपको पता चले वो साइड में यहाँ पे नोट्स बना सकते हो आप उनके। तो जो अथॉरिटी है वो फंक्शनल है। अथॉरिटी माने भाई सीधी सी बात है, देखो मैं आपको फर्क समझाती हूँ। पावर का मतलब हुआ कि मेरे पास एबिलिटी है अपना काम करवाने की, आप मानो या ना मानो आपको काम करना पड़ेगा, बात खत्म। अथॉरिटी में आप मेरी बात मानते हो तो विलफुल ऑबिडियंस होता है, जबकि पावर में विलफुल ऑबिडियंस नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है। तो इन्होंने कहा कि अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी होता है राइट टू एक्सरसाइज पावर। इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा अलग है, वो हम समझ लेते हैं। इन्होंने अथॉरिटी कुछ हाथों में सीमित रहे उसको इन्होंने फेवर नहीं किया है। इन्होंने ऑल्दो कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए बट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करी कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये फंक्शनली रिलेटेड होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है और ये सारी चीजें। तो ये जो आइडियाज होते हैं, जैसे ना जैसे आप नोट्स बनाते हो तो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा तो यहाँ साइड में लिखो कि इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने कहा क्या है। इस तरीके से आप है ना अच्छे नोट्स बना पाओगे और आपको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप नोट्स मतलब लेक्चर सुन भी रहे हो, जितनी चीजें आपको समझ में आती है पेंसिल ले लो और ये जो साइड में स्पेस दिया होता है ना, ऐसे बेवकूफी में नहीं दिया गया, ये स्पेस आपके बहुत काम आता है नोट्स बनाने के लिए। दिस इज नोन एज द कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में क्या होता है कि मान लो ये एक पेज दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस पेज में आप नीचे स्पेस रखते हो थोड़ा सा और ये होता है और यहाँ पर आपका मेन जो नोट्स है वो है। ये आप लेक्चर सुन रहे हो तभी ये नोट्स प्रिपेयर करते हो, फिर बाद में जब आप उसको स्टडी करते हो तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट ऐड कर सकते हो, फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे समरी के लिए यहाँ पर ये पेज आप यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, हमें इस तरीके से नोट्स लेने की, नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, तो उस पर थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो नोट्स बनाने की टेक्निक पे। मैरी पार्कर फोलेट ने फिर लीडरशिप पर भी बात करी है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा लीडर कौन होता है। अच्छा, अगर ये मान लो आपको समझ में ना आए तो हमारे चैनल पर है ना एमपी फोलेट पर एक वीडियो है पूरा का पूरा, वो आप आराम से बैठ के देख सकते हो। उस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि इन्होंने किन किन चीजों के ऊपर बात करी थी। तो इनके हिसाब से एक लीडर कौन होता है, जिसके पास एबिलिटी होती है गाइड करने की और डायरेक्शन देने की। हम एक लीडर की तरफ देखते हैं कि वो हमें नए रास्ते बताएगा, नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर देगा। और ऐसा नहीं है कि बड़ी सिचुएशंस में ही आएगा, बट जितना उसके पास रिसोर्सेज है उन्हीं रिसोर्सेज की मदद से वो अपने टास्क को पूरा करने की कोशिश करता है, टीम बिल्ड करता है अपनी, सीधी सी बात है। तो फॉलेट ने साथ ही साथ इन सारी बातों के अलावा कोऑर्डिनेशन पर भी काफी फोकस किया। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से इनका, मैरी पार्कर फॉलेट का मानना था कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक लीडर का, और कोऑर्डिनेशन आपको इंश्योर करना पड़ेगा मैनेजमेंट से लेकर के हर लेवल पर आपको।
कोऑर्डिनेशन में तीन काम होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉलेट तीन काम होते हैं कोऑर्डिनेशन में. कौन से? क्लियरली डिफाइन करो कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं, पहली चीज. दूसरी ये कि आप जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बीए में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मान लो पढ़ रहे हो, इसके अलावा आपका कोई और भी गोल हो सकता है, आप मान लो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, दैट इज योर बिगर ऑब्जेक्टिव. बट अल्टीमेटली आज आप जो टारगेट सेट कर रहे हो वो टारगेट आपका इस टारगेट से, जो बड़े वाला टारगेट है आपका कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, उससे आपका रिलेट करना चाहिए. देन अलग अलग प्लान हो, है ना, सेपरेट प्लान हो, तभी जाकर के हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर पाते हैं. एक तो नॉर्मल हम प्लानिंग करते हैं कि ठीक है हम इस तरीके से इतना प्रोडक्ट हम लेकर के आएंगे, ये रॉ मटेरियल होगा, ये प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक अलग से प्लान की जरूरत होती है, ऐसा इनका कहना है, फॉलेट का कहना है. तो फॉलेट कहती है कि एक लीडर को अपने सबोर्डिनेट को सिखाना चाहिए कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं. कोऑर्डिनेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि मतलब कोऑर्डिनेशन पे उन्होंने जो बात करी उसी चीज को इंटरप्रेट करा धमेशन मिश्रा ने, और फॉलेट के उनके हिसाब से फॉलेट ने चार डायमेंशन पर बात करी है. क्या फॉलेट चार डायमेंशन पे बात करती है कोऑर्डिनेशन की? पहला कि जो मैनेजर्स है उनमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, जैसे फायोल का गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट है. वे ऑफ इंक्लूडिंग द व्यू पॉइंट बाई ऑल मैनेजर्स एंड टेकिंग इन टू व्यू देयर डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कोई भी अगर उनका डिफरेंट ओपिनियन है उसके बारे में हमें पता चले. देन जो भी डिसीजन आप ले रहे हो सिचुएशन से रिलेटेड हो, एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक आज हमने कोऑर्डिनेशन अचीव कर दिया कल भी सेम वैसा ही रहेगा, नहीं, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मैनेज द सिचुएशन, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अच्छा, गैंग प्लैंक और फायोल में क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ना इस तरीके की अथॉरिटी होती है, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी है यहाँ पे एफ काम कर रहा है, तो पहले इस तरीके से फाइल मूव करेगी, वो अपने सुपरवाइजर को भेजेगा, वो अपने बॉस को, वो अल्टीमेट बॉस को, फिर इस तरीके से मूव करना फाइल शुरू करेगी. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई फायोल सेड कि एक काम करो इन दोनों को ही डायरेक्टली जो है वो फाइल को एक्सचेंज करने दो, बट ये अल्टीमेट इनके परमिशन से होना चाहिए, राइट. तो इस तरीके का गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट है. प्लैंक मतलब क्या होता है ना, लकड़ी का एक वो होता है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, दैट्स काइंड ऑफ प्लैंक. तो गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया. ये जो क्वेश्चन है इनको जरूर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना. नाउ लेट्स फोकस ऑन द अप्रेजल पार्ट, इवेल्युएट करके देखते हैं कि ये थ्योरी है क्या. देखो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इनको फेस करना पड़ा है, इट्स नॉट लाइक इनको बहुत ज्यादा स्क्रूटनी इनको फेस करनी पड़ी, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. एंड आने वाले थिंकर्स ने, खास करके जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरिस्ट थे, बिहेवियरल थिंकर, इन्होंने काफी इसको क्रिटिसाइज किया. कुछ नाम लेती हूँ मैं थिंकर्स का, जैसे एल्टन मायो, आपका हर्बर्ट साइमन आएगा, देन चेस्टर बर्नार्ड भी आएंगे, रॉबर्ट डाल आते हैं, ये सारे थिंकर्स इसके अंदर आते हैं. वो कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस यही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एस्पेक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें और चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है. मैनेजमेंट ओरिएंटेड थ्योरी जो है वर्कर्स की प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती, देन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, मतलब ध्यान नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंस पे ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे. फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलिट्री साइंस से आए हैं, इट्स अ मैकेनिकल अप्रोच, एंड सोशियोलॉजी बायोलॉजी साइकोलॉजी इन पे कंसिडर नहीं करते. ये जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम मींस ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते, विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन. देन रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, और कई बार ये स्ट्रक्चर्स काम भी नहीं करती है, खास करके जब सिचुएशन और कंडीशन अनस्टेबल होता. बिहेवियरलिस्ट ने, इन्होंने कहा कि ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ना, दे आर जस्ट प्रोवर्ब्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी कोई प्रोडक्टिबिलिटी नहीं है, और इन सारी बातों के ऊपर इन्होंने चैलेंज किया. इवन डेनहार्ट एंड डेनहार्ट ने भी इसको चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया इस अप्रोच को 2012 में, काफी नया है ये. तो इसके बारे में हम देखते हैं कि देखो ये कोई पॉजिटिविस्ट थॉट इनका नहीं है, और साथ ही साथ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अल्टरनेटिव वेज की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है. तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज पॉजिटिविस्ट थॉट, आप बताएंगे मुझे पॉजिटिविस्ट थॉट होता क्या, या पॉजिटिविज्म क्या होता है. साइड में अपने खुद के भी नोट्स बना लेना, ये आपका खुद का काम है, ओके, काइंड ऑफ होमवर्क मान लो आप. देन द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस और द इम्पैक्ट दैट दे हैव ऑन सोसाइटीज वैल्यू मीन्स इनॉग्रेटिंग अ कॉम्प्लेक्स स्टडी, मतलब जितना उसका असर आया उसको अगर आप स्टडी करने लग जाओ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टडी. एक ऐसा एफर्ट
जो ये कहता है कि हमें सिर्फ इम्पीरिकल मैटर मतलब जिनको हम एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, तो उन्हीं पे हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट बहुत इसके अलावा भी सोशल पॉलिटिकल एथिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो जिस सेंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया, मे बी वो शायद इतना रेलिवेंट ना हो। देन जब हम थ्योरी बनाते हैं तो थ्योरी का मतलब सिर्फ कुछ टेक्निक्स इवॉल्व करना ही नहीं होता, एंड कन्वेंशनल अप्रोच है यहाँ पे, बट कुछ काउंटर पॉइंट भी हैं डेफिनेटली। एंड डेनहार्ट कहते हैं कि एक सेंचुरी में काफी कुछ बदलाव आ गया है, बट फिर भी प्राइवेट मैनेजमेंट कई जगह एक मॉडल की तरह काम करती है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडल मतलब हम उससे काफी कुछ सीखते हैं। रुबर्ट डाल ने कहा कि देखो ये कुछ केस स्टडीज हैं, ये कुछ रेलेवेंट चीजें नहीं हैं। आप इसको साइंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, साइंस इसको नहीं बना सकते क्योंकि अभी तक आपने सोशल वैल्यूज, हमारी जो वैल्यूज होती है उनको लेकर के आपने व्यू पॉइंट क्लियर नहीं किया। इंसान के बिहेवियर को आपको प्रिडिक्टेबल बनाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए, एंड फिर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप इसको साइंस बना सकते हो। साइंस बनाने का मतलब कि आपने जो प्रिंसिपल्स बताए थे वो प्रिंसिपल आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो, फॉर दैट आपको इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं। इन बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज किया गया और आप इनके बारे में आराम से पढ़ सकते हो, डेफिनेटली खुद के आपको नोट्स बनाने चाहिए। बट एक और पॉइंट पे इनका जो क्रिटिसिज्म होता है, दैट इज क्राउड्स आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन्स इन मेनी वे। लोगों के जो रोल होता है उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फैमिलीज कम्युनिटीज इनके रोल को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर आप देखो तो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ब्रॉड हो चुका है, बट क्लासिकल थिंकर्स में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सब कुछ डिसाइड करते हैं और जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वही उनकी विल को फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल विल को फॉलो करते हैं। इसमें सिटीजन्स का कुछ रोल नहीं है, जबकि आज के टाइम पे सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन बाय वन नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द रेलेवेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। देखो बहुत आपने क्रिटिसाइज कर लिया नो डाउट, बट स्टिल ये आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है। कैसे? देखो बहुत सारी नई थ्योरीज आई, ओके, बट या तो वो इन्हीं लोगों के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने कंसिडर करके नई थ्योरी बनाई, तो एक रेफरेंस के तौर पे तो इनका यूज हुआ ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज भी तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड जो नई थ्योरीज आई, खास करके जैसे एनपीएम है, ये माना गया कि ये पुरानी थ्योरीज ही हैं बट ये नए फॉर्म में आ रही है। एनपीएम को ये बोला, एनपीएम के लिए हम क्या कहते हैं, नियो टेलरिज्म। तो टेलर की थ्योरी तो इसी में आ जाती है ऑलमोस्ट, ये कहाँ से आया है, मतलब 50-60 साल के बाद में सेम थ्योरीज आपको नए में देखने को मिल रही है, दैट शोज कि हाँ वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच ने मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सॉलिड फाउंडेशन दी, रूल ऑफ लॉ, कमिटमेंट टू ड्यू प्रोसेस, इन सब के ऊपर फोकस किया, एफिशिएंसी पर भी ध्यान दिया। इन्होंने जब आप पब्लिक फंड यूज करते हो तो प्रोबिटी इंटीग्रिटी इन चीजों पर भी इन्होंने ध्यान दिया। अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बनाया, फिर पहले इन्होंने स्ट्रक्चर तो बनाई, अगर स्ट्रक्चर नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई, आगे का काम आने वाले थिंकर्स ने कंप्लीट करा, अगर ये काम नहीं करते तो फिर आने वाले थिंकर्स को स्ट्रक्चर्स के लिए मेहनत करनी पड़ती। तो जो 20th सेंचुरी में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे उनका काम था मास प्रोडक्ट बनाना, बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बनाना, उनको चेंज नहीं करना था। जैसे आज के टाइम पे रैपिडली चेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, ऐसा पहले नहीं था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो थ्योरी आई दैट वॉज डिफरेंट, यू नीड टू स्टडी अबाउट दैट। तो ये सारी चीजें हैं, आप आराम से इनके बारे में पढ़ सकते हो, राइट। एंड इसी के साथ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है वो कंप्लीट होती है। ये टर्म्स जो वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ो, बिकॉज होते ना एक जैसे हर एक सब्जेक्ट की खुद की एक वोकैबुलरी होती है, वो आपको हेल्प करेंगे। प्रीमोर्डियल कहाँ से आया, जो बिल्कुल शुरू से आया, प्रीमोर्डियल मीन्स जो बिल्कुल पहले पहले अगर किसी ने स्टार्ट किया तो दैट इज प्रीमोर्डियल। ये सारी चीजें हैं। आई होप आपकी स्टडीज काफी अच्छी चल रही होगी,
अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस 9896859767। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छे नोट्स तलाश कर रहे हैं, वेदर इट इज इन हिंदी और इन इंग्लिश, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके यहाँ पर हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप कोर्स देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूपीएससी के लिए, तो आपको ये सारे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट एनरोल इन आवर कोर्स एंड ऑल इज सेट आफ्टर दैट। चलिए, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल वेट फॉर योर कमेंट। जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अभी हम बहुत काफी पीछे हैं, जल्दी से हमें अपने टारगेट जो है 1 लाख का उसको भी अचीव करना है। आई रियली विश कि जल्दी से हम उस टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।